हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग सही होंगे और मैं यही कामना करता हूँ आप सभी लोग, आपके परिवारजन सभी सुखी रहें और ये वक्त गुजर जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और आज हम देखेंगे लॉकडाउन रिवीजन सीरीज SST का लेक्चर नंबर 8, और आज इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। ध्यान देना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे चार चार नंबर के, तो उन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नंबर एक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेज आए, ये क्वेश्चन बनेगा। नंबर टू, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई थी, उसका भी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इन दो क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी हम पढ़ेंगे सारी चीजें, रिवाइज सारी चीजें करेंगे। और हमारा जो रिवीजन रहेगा थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि अपने पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं है और ज्यादा लंबा खींच भी नहीं सकते। बाकी डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, आपको बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए मैंने, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो, सिंपल सा मतलब समझ लो, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी या जितने भी कारखाने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें बन के आती है वो कहाँ पर बन के आती है, इंडस्ट्री में बन के आती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मोबाइल कहाँ पर बन के आता है, इंडस्ट्री में बन के आता है। कपड़े कहाँ पर बनते हैं, इंडस्ट्री में बन के आते हैं। बुक्स कहाँ पर छपती हैं, इंडस्ट्रीज में छपती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें बन के आ रही है, जिसको हम टेक्निकली अगर इकोनॉमिक्स से लिंक करें, तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या हम कहें जो सेकेंडरी जो सेक्टर है, उसमें क्या आती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री में क्या है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है क्रांति, क्रांति का मतलब होता है कुछ बड़ा चेंज, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन का मतलब छोटा मोटा चेंज नहीं है, तो हम तो सिंपल कहते थे इंडस्ट्रियल चेंज कह सकते थे, मगर रिवॉल्यूशन मतलब एक ऐसा चेंज जो पहले कभी देखा ना था, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे 1857 की रिवॉल्यूशन, बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। उनके 100 साल का रूल जब होने वाला था 1757 के बाद, आपको पता है अंग्रेज इंडिया में अपने पैर पसारने लगते हैं। 1757, 1764 दो बैटल बड़े हो चुके थे इंपॉर्टेंट, प्लासी और बक्सर वाला। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में भी बहुत मेजर बड़ा डेवलपमेंट आया, और क्या डेवलपमेंट आया वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब एक बड़ा चेंज आता है, कहां पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आता है। चेंज का क्या आता है, अब सुनो, पहले हम जो इंडस्ट्री में काम करते थे या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते थे, जो चीज़ें बनती थी, वो हाथों से बनाते थे, जिसको हम बोलेंगे मैनुअली चीज़ों को बनाया जाता था। आपने देखा हो तो पहले मतलब ज़्यादातर काम ना हम खुद करते थे, अपने हाथों से करते थे। जैसे कपड़े बनाने तो हाथों से हैंडलूम मशीन हुआ करती थी, ठीक है। मगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, अलग अलग सेक्टर में मशीनों का इन्वेंशन हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ। अब सोचो, जो काम हम हाथ से करते थे वही काम आज की डेट में किससे होने लग गया, मशीनों से होने लग गया। तो है ना बड़ा चेंज, सोचो कहाँ हम हाथों से किसी काम को करते आ रहे थे, अब वो काम किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। सोचो अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, जैसे पहले हम खेतों को जोतने के लिए तो बैल का इस्तेमाल करते थे और बीच में एक हल लगा देते थे, प्लो जिसको बोलते हैं। मगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आपको पता है ट्रैक्टर का निर्माण हुआ भाई, ट्रैक्टर आया और पीछे कल्टीवेटर आया, अब देखो कितना फास्ट काम हो गया है। ऐसे ही हम बात करें, अगर मान लो कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर की बात ले लो, पहले हाथों से कपड़े वपड़े बनाए जाते थे, ठीक है, कपड़ों का निर्माण हाथों से किया जाता था, हैंडलूम मशीन हुआ करती थी। मगर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, पावर लूम्स आई, पावर लूम्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर से चलने वाली जो लूम्स आई, फिर क्या हुआ, भयानक मतलब तेज गति से प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। जहाँ पे मतलब हाथों से 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, वहीं पर 1000 प्रोडक्ट बनने लगे। अब देखो, इंसानों की तो एक लिमिट होती है, वो मतलब ज़्यादा समय तक काम भी नहीं कर सकते, मगर मशीनों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना पावर दो उतना समय तक चलाओ। आज की डेट में आपने देखो रोबोट्स आ गए, तो रोबोट्स तो अनलिमिटेड, जितना चलाओ उतना चला लो, पावर दो आप तो वो चलेगा, काम करेगा, मगर इंसानों की लिमिट होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ, अलग अलग सेक्टर में नई नई चीज़ों का, नई नई मशीनों का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके बाद पूरे के पूरे यूरोप, नॉट ओनली इन यूरोप, पूरे वर्ल्ड का मतलब सिनेरियो चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाकी कंट्रीज में भी फैलने लगी, और हमारा जो प्रोडक्शन का जो टेक्निक, जो टेक्निक थी प्रोडक्शन की, जो मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था, जहां पर हम हाथों से काम करते थे, मैनुअली सारे काम को करते थे, सारे लोग इंसानों का यूज करके काम करते थे किसी चीज को बनाने के लिए, वो चेंज होने लग गया। अब काम किससे हो रहा है, मशीनों से। तो कुल मिलाकर अगर दो शब्दों में कहूं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, इसने सबसे पहले क्या किया, ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया, जो इंसान थे इंसानों को रिप्लेस करके इंसानों की जगह पे कौन आ गई, मशीन आ गई। अब सारा काम किससे हो रहा है, मशीनों से। अब एक बात देखें तो इससे फायदा तो हुआ, मगर बेरोजगारी भी बढ़ी भाई।
अब देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। हालांकि कुछ नई नई चीज़ों का नए जॉब्स भी क्रिएट हुए थे, ऐसा नहीं है, मगर फिलहाल तो हमें इतना ध्यान देना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ था, मशीनों का आविष्कार हुआ। मशीनों के आविष्कार की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन का जो मेथड था वो चेंज हो गया। अब इंसानों की जगह पर काम किससे होने लगा, मशीनों से। तो सीधी सीधी बात है, जो प्रोडक्शन की रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत यूरोप से हुई थी और यूरोप में भी स्पेशली इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। ध्यान देना इंग्लैंड से ही क्यों हुई, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इंग्लैंड के आसपास कंट्री देख लो, यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये आज की डेट में आयरलैंड, ये आसपास के क्या हैं कंट्री है, इंग्लैंड के आसपास के, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैंने मतलब बताई दिया, मतलब इंसानों की जगह पर किसका निर्माण हो गया, मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीनों से क्या होने लग गया, प्रोडक्शन होने लग गया। जब मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई और क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, तो बहुत सारे क्या आए, चेंजेज आए, ठीक है। तो ध्यान देना, बिफोर 19th सेंचुरी द एंटायर वर्क वाज डन बाय हैंडमेड टूल्स बट लेटर इट वाज परफॉर्म थ्रू द मशीन। मतलब 19th सेंचुरी से पहले अगर हम बात करें 1800 और 1700 और 1800 की बीच की बात करें तो ज़्यादातर काम जो किससे होता था, हाथों से होता था, मगर बाद में जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई तो किससे होने लग गया, मशीनों से होने लग गया। पहले किससे होता था, हाथों से, और यही तो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले के समय की अगर बात करें, पहले आपने देखा होगा अगर एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते थे, ह्यूमन लेबर या एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। मगर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो ह्यूमन लेबर और एनिमल्स की जगह पर अब किसका इस्तेमाल होने लग गया, स्टीम पावर का इस्तेमाल होने लग गया, गैस या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने लग गया। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा पहले जानवरों का इस्तेमाल होता था, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐसे करके गाड़ी होती थी। हालांकि तांगा जो चलता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसमें बैठ के जाते थे, मगर बाद में आपने देखा जैसे ही मतलब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्टर था उसमें रिवॉल्यूशन आ गई। अब लोग बात क्या है, मशीनों से ट्रेवल करने लगे। तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते तो बहुत ही कम हो गए, रेयर हैं, आपको मुश्किल से देखने मिलेंगे कहीं पर तांगा भांगा। आज की डेट में तो ऑटो और आपको जीप, टैक्सी वैक्सी, ओला, आप तो इंटरनेट वाला जमाना आ गया है। तो 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जो एनर्जी के सोर्स थे उसमें चेंजेज आया। पहले एनर्जी के लिए हम किसको यूज करते थे, एनिमल्स और ह्यूमन लेबर को यूज करते थे, मगर अब किसका यूज कर रहे हैं, स्टीम पावर और गैस या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर हम कहें कि यार अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, तो भाई इंडिया की सिचुएशन बहुत बढ़िया थी। 19 सेंचुरी से पहले ही हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। ध्यान दो, जो चीज़ें डेवलप्ड नेशंस में, डेवलप्ड नेशंस ने जो एक्सपेरिमेंट 19 सेंचुरी में स्टार्ट किए थे, जिन चीज़ों को वो 19 सेंचुरी में ला रहे थे, इन्वेंशन किया था, वो सारी चीज़ें इंडिया में पहले से ही क्या थी, प्रेजेंट थी। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इंडिया की अगर बात करें रेवोल्यूशन से पहले क्या क्या सिस्टम था, तो ध्यान देना इंडिया में हमारे में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। कॉटेज इंडस्ट्री में आपने सुना होगा हमारा जो मलमल का कपड़ा था बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस था, और इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर था उसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले भी। हमारे यहाँ पे हाई क्वालिटी का आयरन और स्टील बनाया जाता था। तो ये एक एग्जांपल हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली की जो दिल्ली में स्थित है, इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यंस के गुप्ताज के टाइम पर ये बनाया गया है, चंद्रगुप्त गुप्त के टाइम पर। तो गुप्ताज के टाइम पर यह बना हुआ जो आयरन पिलर है आज तक इस पर रस्टिंग नहीं लगी। तो सोचो कितनी हाई क्वालिटी का हम आयरन बनाते थे, ठीक है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो सीड्स होते थे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड वेराइटी के सीड्स करते थे खेती में, और पहले से ही हम मिक्स्ड फार्मिंग करते थे। ऐसा नहीं कि एक ही तरह की फार्मिंग करते थे, मिक्स फार्मिंग का प्रचलन यहां पर चलता था। और इंडिया में बहुत सालों पहले डैम्स और ब्रिज बनाने की परंपरा चलती थी, जैसे रामायण में, आजकल तो रामायण भी चला दी है, तो रामायण में आपने देखा होगा राम सेतु ब्रिज बनाया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो हमारे यहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले ही हम मतलब बहुत सारी चीजों में क्या थे, महारत हासिल कर रखी थी हमने, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। हमारे यहां पे एक साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, इसलिए तो इंडिया को क्या बोलते थे, विश्व गुरु, वर्ल्ड टीचर बोलते थे। ऐसे ही थोड़ी बोलते थे वर्ल्ड टीचर, हमारे एक से एक मेडिसिन के डॉक्टर थे, मतलब दवाइयों के विशेषज्ञ थे, सुश्रुत जो मतलब वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन बोले जाते। तो बहुत सारी चीजें अपने पास पहले से ही अवेलेबल थी, ठीक है।
अब अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ लें तो क्या होगी, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इट रेफर्स टू बेसिक चेंजेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू विच पीपल लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज। मतलब कहने का यह है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ था, कुछ बेसिक चेंजेज आए प्रोडक्शन के प्रोसेस में। प्रोडक्शन का प्रोसेस का मतलब है जो कंपनियों में किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे पहले हाथों से बनाते थे अब मशीन से बना रहे हैं, तो एक तो ये चेंज हुआ, साथ ही साथ में लोगों ने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल अदर एक्टिविटीज में जो ट्रेडिशनल काम होता था, ट्रेडिशनल तरीके से काम होते थे, उसको छोड़कर लोगों ने नई नई जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी शहर से बाहर या शहर में वहां पर काम करना स्टार्ट कर दिया। यही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आप यह भी कह सकते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कि मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन के मेथड में चेंजेज हुआ, साथ ही साथ में ह्यूमन लेबर की जगह पर मशीन का आविष्कार हुआ और मशीनों का यूज होने लग गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शब्द है इसको दो यूरोपियन स्कॉलर्स ने कॉइन किया है या इसको मतलब दिया है। पहला है जॉर्जेस मिसले जो कि फ्रांस के, और दूसरा है कैडरिक एंजम जो कि जर्मनी के हैं। इन्होंने ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम के शब्द की क्या की थी, सबसे पहले इसको बोला था या बताया था इसके बारे में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर ट्रेडिशनल लो प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम थी उससे मतलब अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ था, पहले क्या दिक्कत थी, पहले दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लो होता था क्योंकि काम होता था हाथों से, बस इंसानों से मतलब ह्यूमन लेबर से ज़्यादा काम करवाते थे, तो प्रोडक्शन बहुत कम होता था, उत्पादन बहुत कम होता था, ये एक समस्या थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर लो प्रोडक्शन की जो समस्या थी इससे क्या मिल गया, हमें छुटकारा मिल गया, और साथ के साथ में मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम को हमने क्या किया, लागू किया, जिससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई और प्रोडक्शन की रेट बढ़ गई। आपको कमेंट करके बताना है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या हुआ, नंबर एक लोगों की मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा और प्रोडक्शन की रेट बढ़ी, और लोगों ने मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम को फॉलो किया, और इससे जो पहले एक प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्शन वाली वो क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब गेट्स आउट मतलब खत्म हो गई वो प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन रहा है, चेंजेज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या बदलाव आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब औद्योगिक क्रांति जो आई थी उसके दौरान क्या क्या चेंजेज आए। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं कई बार बता दी कि प्रोडक्शन वर्क विच वाज अर्लियर डन बाय हैंड्स नाउ स्टार्टेड टू बी डन बाय मशीन्स। जो प्रोडक्शन का काम पहले हाथों से होता था अब उसको हम किससे कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं। अब सोचो मशीन बनानी है भाई, अब जब मशीन बनेंगी तो मशीन किसकी बनेंगी, आयरन की और स्टील की बनेंगी, इसलिए अचानक आयरन और स्टील की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। भाई मशीन बनाने के लिए लोहा चाहिए तो लोहे की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। नंबर तीन, स्मॉल फार्मिंग कन्वर्टेड इनटू लार्ज फार्मिंग ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स इन एग्रीकल्चर। अब भाई एग्रीकल्चर में पहले तो नॉर्मल जितना हो जाए उतना कर लेते थे, मगर जैसे ही मशीन आई, इलेक्ट्रिक मशीन्स का आविष्कार हुआ, पंप सेट और इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर के मेथड्स में नई नई चीज़ें आई, और इरीगेशन के नए नए चीज़ों का हमने आविष्कार किया, तो उससे अचानक क्या हुआ, जो पहले छोटे छोटे फार्म से हम खेती करते थे अब बड़े लेवल पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। तीन चेंज तो ये हो गए। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। भाई बैंकिंग सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, आपको पता है इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए मनी चाहिए, हमारे पास इतना मनी नहीं होता, अगर कोई हमारी हेल्प करे तो हम कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए, मगर इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 लाख चाहिए, अगर मुझे कोई 5 लाख की मदद करे तो मैं इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, 10-20 लोगों को जॉब भी दे सकता हूँ। इसलिए बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। अब कंपनी में काम करने वाले लोगों को पैसा भी देना पड़ता था, आज की डेट में भी आप देख लो हम बैंक अकाउंट खुलवा के रखते हैं तो अगर किसी की नौकरी लग रही है तो सीधा पैसा बैंक अकाउंट में आता है कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से। स्टीम इंजन एंड मैकेनाइज्ड शिप इंप्रूव्ड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था और जो शिप होते थे वो भी मैकेनाइज्ड कर दिए, मशीनों से चलने लगे थे पानी के जहाज भी। इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी रिवॉल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा हो चुका था, फास्ट हो चुका था, पहले से ज्यादा सामान को ले जा सकते थे, और देर बाद लेस ह्यूमन लेबर, और ह्यूमन लेबर की कम मतलब हमें जरूरत थी, और प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ये सारे चेंजेज आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान। तो ये दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, क्या क्या चेंजेज आए, और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो शब्द है इसको किसने बताया। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे ऐसे, क्या मतलब इंग्लैंड में ऐसी क्या खासियत थी कि जो इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, बाकी जगह पर क्यों नहीं हुई। तो लेट्स सी क्या क्या इंग्लैंड में ऐसी मतलब चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, बताइए, समझाइए, समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो समझो। देखो,
यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में, इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले मतलब आता है। और इस चीज़ में आप एक चीज़ और ध्यान रखना, हम उस समय इंग्लैंड के ग़ुलाम थे, हम उस समय अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। आपको पता है इंडिया में अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज, मोर देन 50 कंट्रीज में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने बना रखी थी कॉलोनी, ठीक है। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ध्यान देना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हम अंग्रेजों की एक कॉलोनी हुआ करते थे, और हमारी तरह पता नहीं कितनी सारी अंग्रेजों ने क्या बना रखी थी, कॉलोनियां बना रखी थी। अब सोचो भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो इंडस्ट्री में मैंने सिंपल सा फंडा बताया था, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हमें देना पड़ता है रॉ मटेरियल, और इंडस्ट्री उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब इंग्लैंड तो छोटा सा देश है, मगर रॉ मटेरियल, अब पता है इंग्लैंड ने बहुत सारी कॉलोनी बना रखा था, मतलब कई सारे देशों को कॉलोनी बना रखा था, तो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो कहां से फुलफिल कर ली इंग्लैंड ने, वो कर ली अपनी कॉलोनी से। अब दूसरा, इंग्लैंड को जो सामान बनाया उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, तो मार्केट भी इसने क्या बना दी, जो कॉलोनी थी उनको क्या बना दिया, मार्केट बना दिया। तो आपने देखा होगा बीच बीच में हमने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था हिस्ट्री में, तो उसमें हमने क्या किया था, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्केट को कैप्चर कर लिया था, और सारा सामान कैसा होता था, विदेशी सामान होता था, ठीक है। तो बस यही कारण था, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई थी। हालांकि यहाँ पे कई सारे कारण दे रखे हैं, अगर पेपर में आता है तो आप चार लिख के आ जाना, मोर देन सफिशिएंट है, चार पांच लिख देना। देखो, पहला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंग्लैंड में शुरू होने का पहला कारण, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का जो कॉलोनियल एम्पायर था बहुत बड़े एरिया में विश्व पर फैला हुआ था। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस, और इंग्लैंड में आयरन और कोल की माइंस की थी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, और मोर प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन, इंग्लैंड में प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा था तो लोग उसको कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहे थे, यूज भी ज़्यादा कर रहे थे। सेमी स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी थी, अवेलेबल ऑफ कैपिटल, पैसे का भी वहाँ पे कोई अभाव नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोगों के पास खूब सारा पैसा था, तो उन्होंने मतलब लैंड करना स्टार्ट कर दिया, उधार देना स्टार्ट कर दिया ज़रूरतमंदों को जो फैक्ट्री लगाना चाहते थे। फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इंग्लैंड अभी ये भी देखेंगे कि वहाँ पर ऐसी ज्योग्राफी का क्या स्पेशल फीचर था जिसकी वजह से इंग्लैंड में क्रांति स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर, इम्फेसिस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इनकी वजह से इंग्लैंड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बहुत बड़े एरिया पर क्या था, कॉलोनियल एम्पायर था। उस समय इंग्लैंड महाशक्ति हुआ करता था, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दबदबा किसका हुआ करता था, अंग्रेजों का हुआ करता था। इसलिए अंग्रेजों की दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक तो उसको कॉलोनियों से क्या मिलता था, रॉ मटेरियल, और साथ के साथ में वो अपने सामान को भी क्या करते थे, वहां पर बेचते थे, तो दोनों काम पूरे हुए। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस, अब सीधी सीधी बात है, इंग्लैंड में क्या था, बहुत ही ज्यादा आयरन और कोल की माइंस थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने आयरन बनाना स्टार्ट कर दिया, और मशीन बनाने के लिए जो आयरन की रिक्वायरमेंट थी वो भी इंग्लैंड ने अपने देश से ही क्या कर ली, फुलफिल कर ली, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। तीसरा कारण, मोर इंपोर्टेंट, मोर प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन। अब देखो, यहाँ पे इसको फ्रांस से कंपेरिजन कर रहे हैं, उस समय पर दो ही महाशक्ति हुआ करती थी, एक तो हुआ करता था फ्रांस और दूसरा हुआ करता था इंग्लैंड। जैसे आज की डेट में अगर महाशक्तियों की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर्स की बात करें, तो एक तो सबसे नंबर वन पर आता है आपका अमेरिका, और नंबर टू पर आता है आपका आज की डेट में समझ लो चाइना, और चाइना आपको पता है अमेरिका को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय पर दो ही महाशक्ति हुआ करती थी, इंग्लैंड नंबर वन पर और दूसरे पर था फ्रांस। अब फ्रांस में क्यों नहीं, देखो, फ्रांस वाज एक्सपोर्टिंग ओनली लग्जरी गुड्स एंड इट्स कंजप्शन वाज लिमिटेड टू ओनली रिच पीपल। फ्रांस जो था वो लग्जरी सामान बेच रहा, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था। अब सोचो, हर आदमी लग्जरी सामान तो मतलब खरीद नहीं सकता भाई, नॉर्मल सामान है, कम पैसे कम कीमत का सामान है तो कोई भी खरीद लेगा, और लग्जरी ज़्यादा महंगा सामान है तो भाई वो तो सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी, आम आदमी, कॉमन आदमी उसको, कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने ऐसे ऐसे मेथड देखे प्रोडक्शन के कि कैसे सामान को सस्ते से सस्ते में प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के यूज की चीजें बना सकें। इसलिए इंग्लैंड में प्रोडक्शन ज्यादा किया और साथ ही साथ में कंजप्शन भी ज्यादा किया। मैं दोबारा बता रहा हूं, इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोडक्शन के सस्ते मतलब सस्ते प्रोडक्शन के मेथड्स निकाले, ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जिससे मतलब सस्ते में प्रोडक्ट बनाए जा सकते थे। अब सस्ते प्रोडक्ट को तो आपको पता है कोई भी खरीद सकता है, आम आदमी भी खरीद सकता है, और हर देश में आम आदमी की संख्या ज़्यादा होती है, रिच पीपल की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया इंग्लैंड ने, प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया, मशीनों का आविष्कार हो गया था, और साथ के साथ में कंजप्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया था।
फोर्थ रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। अब देखो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो मतलब फ्यूडल सिस्टम जो था इंग्लैंड में वो खत्म हो चुका था और जिसकी वजह से कई सारे सिटीज में सेमी स्किल्ड लेबर की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो अब फैक्ट्री चलाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, फैक्ट्री चलाने के लिए सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी। वो डिमांड भी इंग्लैंड अपने यहाँ के आसपास के एरिया से फुलफिल कर सकता था। इसकी वजह से भी क्या हुआ, रेवोल्यूशन की मतलब शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब देखो इंग्लैंड में आपको अब देखो कोई मैंने अभी बताया था कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो इंग्लैंड ने क्या अब एक बात अगर देखें तो इंग्लैंड मैंने बताया था अभी इंग्लैंड का वर्ल्ड में कई सारे देशों पर क्या हुआ करता था, हुकूमत चलती थी, राज चलता था। तो इंग्लैंड का जो कॉलोनियल एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल थी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। और लंदन के जो बिजनेसमैन थे वो भी लोगों को क्या दे रहे थे, लोन प्रोवाइड कर रहे थे कि आप लोन लो और इंडस्ट्री सेटअप करो। नेक्स्ट रीजन फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अब अगर इंग्लैंड को अगर देखो तो ये जनरली चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कोस्टल बॉर्डर से घिरा हुआ है। अब सीधी सीधी बात है, जब चारों तरफ पानी है तो हमें मतलब ज़्यादा आर्मी नेवी मतलब नेवी के अलावा बाकी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसपास के कंट्री से अटैक होने की संभावना भी क्या रहती है, कम रहती है। और साथ के साथ में माल भेजने के लिए यहाँ पर क्या पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल थी, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह और जहाँ से मतलब सामान को भेजा जाता है इधर उधर, तो पोर्ट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी और सिक्योरिटी का भी खतरा कम था। इसलिए ये भी मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एग्रीकल्चर। अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो एग्रीकल्चर में ही हुई थी। एग्रीकल्चर ऐसा पहला सेक्टर था जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। जब एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक इन्वेंशंस। इंग्लैंड ने क्या किया, अपने साइंटिस्टों को फ्रीडम दे दी, आज़ादी दे दी कि भाई करो जितने ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस कर सकते हो करो, आपको क्या करना है ऐसे ऐसे मेथड्स निकालने ताकि सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन क्या कर सकें, मतलब चीजों को प्रोड्यूस कर सकें, कम से कम पैसे में प्रोड्यूस कर सकें, जिसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो और साथ के साथ में उसमें क्या हो मतलब कम पैसे में काम हो जाए। तो वहां के साइंटिस्टों को इन्होंने क्या दे दी, छूट दे दी कि करो आप जितना खोज कर सकते हो उतना खोज करो। हो सकता है उनको कुछ इंसेंटिव्स भी देंगे कि अगर आप खोज करोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब इन्होंने साइंटिस्ट को पूरी क्या दे दी, आजादी दे दी। जब साइंटिस्ट को पूरी आजादी मिल गई तो इन्होंने एक से एक चीजों का क्या किया, आविष्कार किया, नई नई मशीनों का आविष्कार किया, जिससे मतलब लोगों की लाइफ कैसी हो गई, आसान हो गई, प्रोडक्शन के मेथड सस्ते हो गए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, यह भी एक कारण है। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर। अब आपको पता है, ध्यान देना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर ऑफ नेपोलियन आल्सो हेल्प इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ड्यूरिंग द वॉर इंग्लैंड फेल्ट द नीड ऑफ इंप्रूव्ड वे ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ सोल्जर्स। अब देखो जब वॉर चल रहा था तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि यार हमें भी क्या चाहिए, कुछ नए तरीके के क्या चाहिए, हथियार चाहिए और हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए कुछ ना कुछ मशीनरी होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी चीज़ों को क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि हमारे सोल्जर्स की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो फ्रांस में जो क्रांति आई थी और नेपोलियन ने जो अटैक किए थे एक के बाद एक, उनसे भी क्या हुआ, इंग्लैंड मतलब इससे प्रभावित हुआ और इंग्लैंड को नीड महसूस हुई कि यार हमें भी अपने जो वॉर के मेथड्स हैं या कुछ नई नई टेक्निक्स का क्या करना पड़ेगा, ईजाद करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, अपने सोल्जर्स को न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें दे सकें और हम मतलब बाकी देशों से सुपीरियर हो सकें। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने पूरा बता दिया है आपको। तो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेज हुए और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मतलब सारे के सारे नोट्स मिलेंगे एज वेल एज जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।